हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले घर के नल में करंट क्यों आता है। ये बहुत ही रिस्की होता है। इसके तीन कारण होते हैं। सबसे पहले आपको घर के मेन स्विच को ऑन रखने के बाद में एक एक करके आप सारे स्विच को ऑन और ऑफ करके चेक करें कि आपका टेस्टर ग्लो करना बंद कर रहा है नल में या नहीं। इसके बाद में अपने स्विच बोर्ड के थ्री प्लग के सॉकेट को चेक करना है एक टेस्टर से। कभी कभी ये प्रॉब्लम न्यूट्रल फेस की जगह और फेस न्यूट्रल की जगह एक्सचेंज होने से भी होता है, क्योंकि हमारे घर में जो वायरिंग की जाती है उसमें न्यूट्रल एक ही वायर से हर जगह पे कनेक्ट किया जाता है, तो कभी कभी इस वायर के लीकेज होने से भी ये प्रॉब्लम होता है, तो वो चेक कर लें। स्विच ऑन करने के बाद ये पावर ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं ये टेस्टर से आपको पता चल जाएगा। अगर पावर कंटिन्यू है तो आप अपने स्विच बोर्ड मेन डीपी के पास जाएंगे और वहाँ के पावर को एक्सचेंज कर लेंगे। अक्सर राइट साइड में फेस होता है, तो हम फेस फेस की जगह और न्यूट्रल न्यूट्रल की जगह पे सेट कर लेंगे। इस तरीके से हमारे घर का पावर में जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया है, मगर अभी भी हमारे नल में करंट आ रहा है। मैं आपको इस वीडियो में तीन कारण बताने वाला था, मगर सबसे मेन रीज़न यहाँ पे ये है कि हम यहाँ तक सोच भी नहीं सकते। हमारे घर पे सीलिंग फैन लगा होता है और ये किसी भी लोहे के रॉड पे पाइप पे ही फिक्स किया जाता है, तो ये फैन चलने की वजह से यहाँ का जो कनेक्टर के पास का वायर होता है जो ज्वाइंट मारते हैं या किसी कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं वो आपस में कट होने की वजह से हल्का सा भी ये रॉड या पाइप के अंदर में लीक होता है, तो ये सारे हमारे घर के अंदर में करंट पास करता है और इस वजह से ही हमारे नल में दीवार में करंट आता है। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये चेक कर लें। और तीसरी वजह ये है कि हमारे घर के अंदर का जो स्विच बोर्ड है, पहले लकड़े के बोर्ड यूज़ होते थे, इसके बाद आज के टाइम पर हर जगह पर कंसील्ड वायरिंग होती है दीवार के अंदर से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आता है कि हम स्विच बोर्ड के पीछे का जो बॉक्स यूज़ करते हैं, लोहे के बॉक्स होने की वजह से भी कभी कभी क्या होता है, स्क्रू टाइट करने में या तो जंग लगने की वजह से भी वायर ख़राब होता है और बॉक्स में करंट पास होता है और वो सारे घर में हमारे लीक होता है, तो इसके लिए हम पीवीसी बोर्ड का यूज़ करेंगे। तो इस तरह के यूज़फुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।